Bismillahirrahmanirrahim and a warm welcome to you all to Peshawar Model School Boys 3 for your online English class for class 4th. As you know boys, now you people are in class 4th. So previous lecture, we did a few of the things which were about numbers. अगर आपको याद हो तो last lecture जो था हमारा, हमने इसमें numbers के बारे में पढ़ा था. अभी हमारा new session है. This is a session 2021 to 2022 for class 4. इसमें मैं आपको कुछ new चीज़ें बताऊँगी, ठीक है. Now, see the slide. This is about parts of speech. As you can see, parts of speech is written here. Parts, you know, parts का मतलब होता है हिस्से, और speech का मतलब होता है बोलना. तो इट मीन्स हमारे बोलने के मुख्तलिफ हिस्से. यू नो बॉयज, व्हेन वी स्पीक वी यूज़ वर्ड्स, ठीक है. दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन द लैंग्वेज. हम लैंग्वेज में जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग उनको ग्रामेरियंस ने डिफरेंट नेम्स दे दिए हैं, ठीक है. दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हेन वी स्पीक वी यूज़ नाउन्स, वी यूज़ वर्ब्स, वी यूज़ प्रपोजिशंस, वी यूज़ कंजक्शंस, वी यूज़ adverb, adjective, every parts of speech we are using when we are speaking. हम इन सारी चीज़ों को use कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते वक्त हम इस चीज़ को mind में नहीं रख रहे होते कि हम कौन से parts of speech को इस वक्त बोल रहे हैं या उसको pronounce कर रहे हैं. तो इनके function के according the grammarian has categorized them into the different categories, और फिर उन categories को different names दे दिए गए हैं, ठीक है. For example, जितने भी naming words हैं हम उनको nouns बोलते हैं. अब वो सारे वर्ड्स जो हम नेम्स की जगह पे यूज़ करते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. फिर इसी तरह आ जाते हैं वर्ब्स, वर्ब्स हैं. फिर वो जो वर्ब्स के बारे में हमें बताते हैं उसे हम एडवर्ब्स बोलते हैं. सिमिलरली कंजक्शंस हैं, प्रपोजिशंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं एंड आर्टिकल्स. आर्टिकल्स को कुछ ग्रामेरियन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा समझते हैं, और कुछ लोग इसको जो है इसका हिस्सा नहीं समझते. वो उसको इसी की कैटेगरी में, एडजेक्टिव की ही कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है. यूजुअली कहा जाता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है. आर्टिकल्स को कहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, एडजेक्टिव्स के साथ. अब अपने माइंड में रखें, नाउन्स जो हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं. किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन्स बोलते हैं. अब अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पे कितनी ही चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि नाउन्स हैं. लाइक आपका, अगर आप चेयर पे बैठे हो या सोफा पे बैठे हो, व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ नाउन. अब आपके हाथ में पेन है या पेंसिल है तो दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन. देन आपका फैन ऑन है, वो भी नाउन है. आपके रूम में कारपेट है, आपके कर्टन्स हैं. सो मैनी नाउन्स यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ. आपको बहुत सारे नाउन्स अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे होंगे. अब इन नाउन्स को जब हमने डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्राइब करने का मतलब है कि जब हम उनके बारे में फर्दर डिटेल डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो सारे वर्ड्स जो हैं वो किस कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाएंगे, वो कहाँ पे आएंगे, हम उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं. सो सिंपल हम अगर बोलें तो एडजेक्टिव्स. आज हम जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे वो हैं एडजेक्टिव्स. इसको एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, इट स्लाइटली प्रोनाउंस होता है डी, एडजेक्टिव्स इसको बोला जाता है. तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट एडजेक्टिव्स, ठीक है. पहले तो आप इस बात को समझ लें कि हमने आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट उठाया है जिसको आज हमने डिस्कस करना है, वो है एडजेक्टिव. क्योंकि नाउन तो आपको पता चल गया ना कि नाउन क्या है, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. किसी भी चीज़ के नाम को, जगह को, किसी भी इंसान के नाम को, किसी कंट्री के नाम को हम नाउन्स ही बोलते हैं. अब देखें, आपको अच्छी तरह पता होगा, जब आपकी फैमिली में या आपके कज़न्स में या कहीं भी कोई नया बेबी पैदा होता है तो उसका नाम नहीं होता, ठीक है. तो फिर उसकी उसकी आइडेंटिटी उसको देने के लिए उसका नाम रख दिया जाता है. तो नाम का होना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है. तो वो जो नाम होता है वो क्या होता है, वो हमारी आइडेंटिटी होता है, ठीक है. उससे पहचाना जाता है कि ये इस नाम का बंदा जो है वो, उसका ये नाम है. अब दूसरी बात आप समझें, जैसे कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है मार्केट में तो उसका भी कोई ना कोई नाम ज़रूर रखा जाता है. उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा मोबाइल है. जिस तरह अब आपको मैं बोलूँ आईफोन, तो आपको फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि आईफोन कौन से वाला है. उसकी आइडेंटिटी है, नेम हमारी आइडेंटिटी होता है, हमारी शनाख्त होता है, हमारी पहचान होता है, ठीक है. अब अगर मैं बोलूँगी सैमसंग, तो आपको फ़ौरन क्लिक हो जाएगा ये कौन से वाले मोबाइल की मैडम बात कर रही हैं, ठीक है. अब मतलब बताने का यह है कि नाम का होना बेहद ज़रूरी होता है. अब उस नाम जो आपको पता चल गया, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास आई हैव गॉट अ सैमसंग मोबाइल,
अब फिर मैं जब आप उसके फीचर्स बताने शुरू करूंगी कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसका कलर कैसा है, साइज कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो सिंपल आप देखें नाउन की जो यहाँ पे आप देखें ये डेफिनेशन है हमारे पास एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, ये वो वर्ड है, ये वो लफ्ज़ है जो बताता है हमें, डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, कभी कभी हम नाउन की जगह प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो प्रोनाउन या नाउन के बारे में हमें कौन सा वर्ड बताता है, हमें बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन। नाउ सी द सेंटेंस, जेन इज अ क्लेवर गर्ल, जेन इज अ क्लेवर गर्ल। अब इसमें देखिए आप, जेन ये क्या है, नेम है किसका, इस लड़की का नेम है, इज अ क्लेवर गर्ल। अब क्लेवर क्या है, वर्ड क्लेवर क्या है, यहाँ पे क्लेवर हमें इस जेन की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसी लड़की है। ठीक है, तो शी इज क्लेवर गर्ल, तो वर्ड क्लेवर इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए आप, क्लेवर इज एन एडजेक्टिव दैट इट डिस्क्राइब्स जेन, ये जेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब इसी लड़की जेन के बारे में अगर मैं और एडजेक्टिव्स आपको बताऊं तो मैं ये भी कह सकती हूँ, शी हैज़ रेड गाउन। अब द वर्ड रेड जो है ये गाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, गाउन नाउन है और रेड कलर उसका बता रहा है, तो रेड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। जेन हैज़ ब्लैक हेयर, अब उसके जो ब्लैक हेयर है, द वर्ड ब्लैक वो भी हमें बता रहा है कि बालों का रंग कैसा है। हेयर जो है वो नाउन हो गया और ब्लैक इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे वर्ड ब्लैक बता रहा है इस नाउन का कलर, तो इसलिए हम ब्लैक को भी क्या बोलेंगे, वो भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स आपको, एडजेक्टिव्स आर यूजुअली इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द नाउन दे डिस्क्राइब, आपको फ्रंट ऑफ द नाउन, आपको नाउन के आसपास ही मिलेंगे एडजेक्टिव्स। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ नाउन। वी मोस्ट ऑफन प्लेस एडजेक्टिव्स बिफोर द वर्ड दे आर डिस्क्राइबिंग, नॉट आफ्टर। बी केयरफुल एज दिस इज द ऑपोजिट स्ट्रक्चर फॉर मैनी अदर लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आपको उसके सामने मिलेंगे, आपको एडजेक्टिव उसके सामने ही मिलेगा। आप इस एग्जाम्पल को आप देखें, एडजेक्टिव्स यूजली आर इन फ्रंट ऑफ द नाउन दे डिस्क्राइब, आपको उसके सामने मिलेंगे। देखें, ये है अ रेड कार, ये नीचे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फिर है एन ओल्ड कार, फिर है अ फास्ट कार। अब इन तीन एग्जाम्पल्स में रेड, ओल्ड एंड फास्ट, दीज आर द एडजेक्टिव्स। तो ये किस चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं, किस नाउन के बारे में, कार के बारे में बता रहे हैं। तो दीज आर द एडजेक्टिव्स बिकॉज दीज आर द डिस्क्राइबिंग द नाउन कार। अब आप देखें, अ रेड कार, तो रेड इज एन एडजेक्टिव एंड कार इज अ नाउन। एन ओल्ड कार, कार इज नाउन एंड ओल्ड इज एन एडजेक्टिव। अब इसी को अगर मैं उलट करके लिख दूँ, अ कार रेड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नाउन के फ्रंट पे नहीं आ रहा ये। ठीक है, अब देखें सेकंड वाली एग्जांपल को, एन ओल्ड कार, ये प्रॉपरली लिखा हुआ एडजेक्टिव है, इसको अगर मैं उलट करके लिख दूँ, अ कार ओल्ड, तो अगेन ये रॉन्ग हो जाएगा। अ फास्ट कार, और अगर मैं लिखूँ अ कार फास्ट, तो अगेन ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन आप पढ़ें कि आपको कहाँ पर मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ द नाउन आपको मिलेगा एडजेक्टिव्स। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा, आई एम श्योर कि यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन। अब उस नाउन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो हमें क्या बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल यमी, आई एट अ यमी केक, तो द वर्ड यमी जो है वहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है, केक के बारे में, कि केक कैसा था। फिर व्हाट वाज द साइज ऑफ केक, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल भी हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो अगेन स्मॉल भी एडजेक्टिव है। अब इसी तरह आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स अगर मिलेंगे, फ्रेश, स्वीट, राउंड, थिंक, सॉफ्ट, टेस्टी, डिलीशियस, तो ये सारे जो आपके इसके गिर नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखें, डिलीशियस, स्वीट, सिली, प्लेफुल, लार्ज, हैवी, फ्यूरी, ग्रे, ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये किसी न किसी एक नाउन को डिस्क्राइब कर रही हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स हमें नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स हैं, दीज आर द मोडिफायर ऑफ नाउन, ये नाउन को मोडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स आर द मोडिफायर्स ऑफ द नाउन। अगेन इन एडजेक्टिव्स
डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, अब वो कैसे डिस्क्राइब करता है, किस चीज को आंसर करता है. एग्जाम्पल आप देखें, एन एडजेक्टिव आंसर्स व्हाट काइंड, व्हाट काइंड, हैप्पी डॉग, डॉग नाउन और हैप्पी उसके बारे में बता रहा है, व्हाट काइंड. फिर है विच वन, विच वन को, मतलब इसी के आंसर जब आपको मिलेगा तो उसमें जरूर आपको एडजेक्टिव नजर आएगा. जब व्हाट काइंड का आंसर आपको मिलेगा उसमें आपको एडजेक्टिव मिलेगा, विच वन का जब आंसर आपको मिलेगा तो आपको वहां पे जरूर एडजेक्टिव मिलेगा. फिर हाउ मैनी, हाउ मैनी जब इसका आंसर आपको मिलेगा आपको वहां पे जरूर एडजेक्टिव्स मिलेंगे. हाउ मैनी, सेवन गर्ल्स, तो गर्ल्स नाउन एंड सेवन इज इन एडजेक्टिव. ठीक है, अब एक और मजे की एक्टिविटी आप देखें, हाउ इज एन एडजेक्टिव लाइक अ मैग्नेट. मैग्नेट आपको पता है ना, और आपको अच्छा भी लगता है. बहुत सारे बच्चे जो अपने पास मैग्नेट रखते हैं और फिर वो उससे जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करता है, तो वो उसके साथ खेलते हैं. मैग्नेट आपको पता है ना, मैग्नेटीज को बोलते हैं. तो मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक मटीरियल, एडजेक्टिव्स आर अट्रैक्टेड टू नाउंस. देखिए कितने मजे की ये बात है कि मैग्नेट क्या करता है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. इसी तरह जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स आर अट्रैक्टेड टू द नाउंस, ये नाउंस को, नाउंस जो है इनको अट्रैक्ट करता है. एनी टाइम यू फाइंड एन एडजेक्टिव यू विल आल्सो फाइंड अ नाउन. अगर आपको किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे जरूर नाउन मौजूद होगा जिसके बारे में वो एडजेक्टिव वहां पे लिखा गया है. तो यू विल आल्सो फाइंड अ नाउन और अ प्रोनाउन नियर बाय दैट द एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड. आपको वो जो एडजेक्टिव मॉडिफाइड जिस नाउन को कर रहा है वो आपको जरूर वहां पे मिलेगा. नाउ सी द एग्जांपल्स, रीड हैज अ ह्यूज डॉग, रीड हैज अ ह्यूज डॉग. एक बात को माइंड में रखा करें कि आपने ये भी माइंड में रखना है कि किस नाउन के बारे में एडजेक्टिव बता रहा है. यहाँ पे रीड भी नेमिंग वर्ड है, ये भी नाउन है, यहाँ पे डॉग भी नाउन है, लेकिन ह्यूज का वर्ड किस चीज के बारे में बता रहा है, इस डॉग के बारे में बता रहा है. ठीक है, ये इसको डिस्क्राइब करें, इसने रीड के बारे में कोई बात नहीं की. तो ह्यूज का जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, इट इज टेलिंग अस अबाउट डॉग. तो ह्यूज एडजेक्टिव, डॉग इज अ नाउन. माई सिस्टर इज शाय. ठीक है, अब सिस्टर क्या है, नाउन. शाय इसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो शाय है, थोड़ी सी शर्मीली है. तो शाय एडजेक्टिव, सिस्टर नाउन. मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. अब फेवरेट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये किस चीज के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में. अगेन देखें, फेवरेट का वर्ड आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है. हालांकि यहाँ पे मैथ्स भी नाउन है, लेकिन फेवरेट का वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को. पॉल्स बास्केटबॉल कोच इज टॉल, पॉल्स बास्केटबॉल कोच इज टॉल. अब यहाँ पे आपको दो नाउन नजर आ रहे होंगे, ठीक है, एक है टॉल और दूसरा है बास्केटबॉल. बास्केटबॉल जो है ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, टॉल भी है एडजेक्टिव, ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन टॉल भी एडजेक्टिव है. और ये है कोच, ये देखिए अब नीचे वाली लाइन में आ गया हमारे पास टॉल, और किसके बारे में बता रहा है, कोच के बारे में बता रहा है. कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो या तीन वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव आपको मिले एक नाउन के साथ. कभी कभी उसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो या तीन एडजेक्टिव्स भी यूज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हुआ है, आई काउंटेड 20 लिटिल फिश इन द एक्वेरियम. अब 20 हमें बता रहे हैं, हाउ मैनी कितनी फिश थी, 20, तो 20 इज एन एडजेक्टिव, फिश इज अ नाउन. अब एक तो ये एडजेक्टिव हो गया, अब दूसरा एडजेक्टिव क्या है, लिटिल, 20 लिटिल फिश. दूसरा एडजेक्टिव हमारे पास लिटिल, और किस चीज के बारे में बता रहे हैं, फिश के बारे में. तो आप ये माइंड में रखें कि मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक मटीरियल एंड एडजेक्टिव्स आर अट्रैक्टेड टू द नाउन और प्रोनाउन. यहाँ तक आई एम श्योर आपको बात समझ आ गई होगी. अब एडजेक्टिव आपको क्या क्या चीज़ें बताता है, आपको बताता है कि हाउ द नाउन लुक्स, हाउ इट्स शेप, हाउ मैनी, हाउ इट फील्स, हाउ इट स्मेल्स, हाउ इट बिहेव्स, व्हाट साइज, व्हाट कलर. ये सब कुछ आपको नाउन के बारे में एडजेक्टिव ही बताएगा. इज दैट क्लियर. अब देखें वही बात है, टेल्स अबाउट नाउन्स व्हाट साइज, व्हाट कलर, हाउ मैनी एंड हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट लुक, हाउ इट टेस्ट, हाउ डज इट फील एंड विच शेप,
हाउ डज इट बिहेव एंड हाउ इट फील्स, ये सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव ही बताएगा. इज दैट क्लियर? चलें जी, अब आते हैं इसी चीज़ को हम प्रॉपर देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. अब वही चीज़ें यहाँ पर पास ऑर्डर में आ गई हैं. आपको एडजेक्टिव कलर बताता है, साइज, शेप, टेस्ट, डोर, टेक्सचर, साउंड, नंबर एंड वेदर. ये सारी बात आपको इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही दे रहा होता है. इज दैट क्लियर? अब ये देखें, एक कलरफुल एडजेक्टिव्स हमें डिफरेंट मिल रहे हैं यहाँ पे. देखें ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, मिडल में हमने लिखा है एडजेक्टिव्स, और इसके इर्द गिर्द जितने भी वर्ड हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. सीरियस, बिग, फ्रेश, सिक, ब्यूटीफुल, ग्रेट, ओल्ड, रिच, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, क्लीन, सॉफ्ट, हैंडसम, फास्ट, लेट, लो, फ्रेंडली. ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर एडजेक्टिव्स. दीज आर एडजेक्टिव्स. और ये जो वर्ड्स हैं यूजली हम इनको यूज करते हैं किस लिए? नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मिलेगा, तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाल दिया है. लेकिन बस अपने माइंड में ये रखें कि एडजेक्टिव आपको कलर, शेप, साइज और क्वालिटी बताता है नाउन की. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए स्लाइड रखी है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. डिटर्मिनर होते हैं, ये आपको ओपिनियन समझ आती है आपको एडजेक्टिव से. ये साइज बताते हैं आपको, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस और नाउन. ये सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव्स बताते हैं. ये नाउन यहाँ पे बेटा इसलिए आए हैं कि कभी कभी एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो जो पहला नाउन होता है वो हमारे पास एडजेक्टिव बन जाता है. जैसे मैं बोलूँ किचन, तो किचन क्या है? नाउन है ना. अब मैं बोलती हूँ टाइल, तो टाइल क्या है? किचन में जो टाइल्स लगी होती हैं वो भी नाउन है. अगर मैं बोलूँ किचन टाइल, ठीक है, किचन टाइल, अब ये दोनों नाउन हैं, लेकिन इसमें पहला जो नाउन है वो एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि वो दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. कौन सी टाइल? किचन में लगाई जाने वाली टाइल. इसलिए पहला वर्ड जो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव बन गया. जैसे दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूँ, गार्डन चेयर. गार्डन क्या है? नाउन है. चेयर क्या है? वो भी नाउन है, लेकिन पहला नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए पहला नाउन जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव बन जाएगा. इसलिए आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में नाउन्स भी नजर आ रहे हैं. चले, अभी एक बड़े मजे की एक्टिविटी थी हमारे पास. अल्फाबेट हमारे पास कितने होते हैं? 26. तो उन 26 के अल्फाबेट में से हर एक के साथ हमने एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो जिसके साथ नहीं बनता उसको हमने छोड़ दिया. अब ये देखें, ए से अमेजिंग, देन बी ब्रेव, सी क्यूट, डी ड्राई, ई ईजी, एफ फ्लफी, देन जाइगेंटिक, हैप्पी, इंटरेस्टिंग, जॉली, काइंड, लार्ज, मैसिव, नीट, ओल्ड, pretty, quiet, rainy, strong, terrific, ugly. अब V के साथ कोई नहीं बन रहा तो I leave it out. Then windy, फिर X, Y, Z. इनके साथ कोई letter adjective में नहीं आ रहा था, then I left them. Okay, again, वही बात आ गई है कि it describes noun, messy bedroom, beautiful rainbow, delicious pizza, fluffy bunny, happy baby, tiny ladybug, शाइनी मिरर, ब्रेव फायर फाइटर, सिली ड्रैगन. अब आपने इस स्लाइड को देख के इसमें से खुद एडजेक्टिव्स निकालने हैं कि इस स्लाइड में एडजेक्टिव कौन सी हैं. ये आपके लिए एक फनी सी एक्टिविटी होगी, और अपनी रफ नोटबुक पे या रफ रजिस्टर पे आपने उनको लिख लेना है कि इसमें नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव इसमें से कौन से हैं, तो आपको समझ आ जाएगी. अब देखते हैं हम कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होती हैं. अब आपको यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है, सैड, सैडर, सैडेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, साल्टी, साल्टियर, साल्टियस्ट, सेन, सेनर, सेनेस्ट, स्केरी, स्केरियर, स्केरियस्ट, शैलो, शैलोअर, शैलोएस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, शाइनी, शाइनियर, शाइनियस्ट. अब डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की. जैसे एक चीज़, जैसे यहाँ पे है शाइनी, अब मैं बोलती हूँ माई रिंग इज शाइनी, यह है पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है. मैं रिंग की सिंपल बात कर रही हूँ कि माई रिंग इज शाइनी, रिंग नाउन है और शाइनी बता रहा है कि वो कैसी है. अब मैं बोलती हूँ कि हर रिंग इज़ शाइनियर देन माई रिंग, कि उसकी अंगूठी मेरी अंगूठी से ज़्यादा शाइनी है, तो ये होगी कंपैरेटिव डिग्री. यहाँ पे दो चीज़ों को मैं कंपेयर कर रही हूँ, ये तो सिर्फ पॉजिटिव है, कहीं कंपेयर मैं कर ही नहीं रही थी. मैंने तो सिंपल बोला मेरी रिंग जो है वो शाइनी है, माई रिंग इज़ शाइनी. यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को कंपेयर किया, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है कि हर रिंग इज़ शाइनियर देन मी,
जब दो चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं, उनका आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं कि कौन सी रिंग ज़्यादा शाइनियर है, या किसी भी चीज़ में हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। क्लियर? अब आते हैं शाइनियस, सुपरलेटिव डिग्री। ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे कंपैरिजन होता ही नहीं है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, हम उसको किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं रहे होते। अब कहते हैं, हम कह सकते हैं कि सारा रिंग इज़ शाइनियस्ट देन ऑल, कि सारा की रिंग सबसे ज़्यादा शाइन कर रही है, वो शाइनियस्ट है। वहाँ पे हमने सारा की रिंग को किसी और के साथ कंपेयर किया ही नहीं, तो ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव हम यूजली यूज़ कर रहे होते हैं, कंपैरेटिव जब हम दो को कंपेयर कर रहे होते हैं, और सुपरलेटिव जहाँ पे हम किसी चीज़ का दूसरे के साथ मुकाबला कर ही नहीं रहे होते। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिनमें ई आर और आई ई एस टी लगता है। एक होते हैं हमारे पास इरेगुलर एडजेक्टिव, जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर जो है वो कंपैरेटिव है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये वो वाले एडजेक्टिव्स हैं जो कि इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। अब आपको बताती हूँ कैसे। ये देखें, ये है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रोंगर कंपैरेटिव डिग्री, एंड स्ट्रोंगेस्ट दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री। मैं कहती हूँ दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉय का नेम है अली, ठीक है, और इस बॉय का नेम है हसन। अब मैं बोलती हूँ अली इज स्ट्रॉन्ग, फिर मैं कहती हूँ हसन इज स्ट्रोंगर देन अली, मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया, तो मैंने स्ट्रोंगर लिखा। मैं ये नहीं बोल सकती कि हसन इज स्ट्रोंगर और सिंपल बोल दूँ, इसमें मैंने इसको कंपेयर ज़रूर करना है दूसरे के साथ, तब मैं जो है यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस बॉय के बारे में, आप इसको देखें ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी फॉर एग्जांपल इसका नेम है पॉल, तो मैं बोलूँगी पॉल इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, पॉल इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। यहाँ पे मैं इसको किसी इन दोनों के साथ कंपेयर ही नहीं कर रही, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों को तो मैंने कंपेयर किया, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्गर देन हिम है, लेकिन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इसी तरह हैवी पॉजिटिव, हैवियर कंपेरेटिव, एंड हैवीएस्ट सुपरलेटिव, ठीक है, ये माइंड में रखें। कंपेयर, कंपेयर करना जहाँ पे हम कंपेरिजन करते हैं। आप देखें नेक्स्ट को, अगेन इसी तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, दिस एप्पल इज बिग, ये पॉजिटिव डिग्री है, दिस एप्पल इज बिगर देन दिस वन, तो ये कंपेरेटिव है, दिस एप्पल इज द बिगेस्ट वन, तो यहाँ पे हमने इस एप्पल को इन दोनों के साथ कंपेयर ही नहीं किया, हमने बता दिया तो सबसे बड़ा है, तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे देखें, शॉर्ट पॉजिटिव, शॉर्टर कंपेरेटिव, एंड द शॉर्टेस्ट, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आप देखें सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे मिल रही है। अ सुपर एडजेक्टिव इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज टू एक्सप्रेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सम लिस्ट ऑफ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर हियर, बेस्ट, क्लेवरेस्ट, फर्दस्ट, स्ट्रेटर, द फनीएस्ट, द हैप्पीएस्ट, द हैवीएस्ट, द काइंडेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, और यूजली इनके साथ द का आर्टिकल भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। द टालेस्ट, द अगलीएस्ट, द वीकेस्ट, द वेटेस्ट, सेंटेंसेज ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव के कुछ आपको सेंटेंसेज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिस वन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन आर कंट्री, इन आर सिटी, दिस इज द वन मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन आर। अब देखें यहाँ पे इसकी जो सबसे हाइएस्ट डिग्री है वो डिस्क्राइब हो रही है। सेकेंड में ही इज एंग्रीएस्ट पर्सन ऑन योर कैंपस, तो ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो आपको सुपरलेटिव डिग्री डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसकी, एडजेक्टिव की, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, दिस इज लिंडा, देन मार्क, देन हेलन, एंड देन सैम, तो इनको जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हम इनके डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज में देखें। लिंडा इज डैश देन हेलन, हमारे पास यहाँ पे वर्ड आ गया है पॉजिटिव डिग्री का थिन। अब कंपेयर करें ना हम दोनों को, तो मैं लिखूंगी लिंडा इज थिनर देन हेलन, ये लिंडा है, ये किससे पतली है, हेलन से, तो लिंडा इज थिनर देन हेलन, तो यहाँ पे मैंने कंपेरेटिव डिग्री यूज की। मार्क इज डैश देन सैम, अब देखें मार्क को और फिर आप देखें सैम को, सैम से टॉल है ना ये, तो आगे हमारे पास
यहाँ पे क्लू दिया हुआ है टाल, तो मैं लिखूंगी मार्क इज टॉलर देन सैम। तो जहाँ पे कंपेरेटिव मैंने करना है दोनों को, वहाँ पे मैंने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, तो वहाँ पे मैं पॉजिटिव के बजाय कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करूँगी। तो इस एक्टिविटी को भी आप अपनी रफ नोटबुक पे अपनी प्रैक्टिस के लिए करें, ये आपकी नीट नोटबुक का काम नहीं है। नीट नोटबुक पे मैं आपको जो डेफिनेशन लिखवाऊंगी, जो बताऊंगी मैं, आपने वो अपनी नीट नोटबुक पे करनी है। लेकिन ये एक्टिविटी सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने डाली है कि आप इनको अपनी रफ नोटबुक पे या रजिस्टर पे आप करें, ठीक है। नाउ दिस इज द पेज फॉर योर नीट नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक को इसी तरह प्रिपेयर करना है, चेक इट आउट। यहाँ पे देखिए मैंने डेट और मंथ नहीं लिखा, बिकॉज आई डोंट नो ऑन विच डेट यू आर गोइंग टू डू दैट वर्क। सो मैंने डेट नहीं लिखा, ईयर मैंने लिख दिया। आप जब भी अपनी नोटबुक का पेज प्रिपेयर करोगे, यू हैव टू ड्रा द मार्जिन लाइन, देन यू हैव टू राइट द डेट। फिर इसी तरह नीट आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। एडजेक्टिव्स की हमने हेडिंग दे दी यहाँ पे, सेकंड हमने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये है हमारी डेफिनेशन। इसी तरह आप अपनी कॉपी पे इसको नीट लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल्स आप देख लें, क्लेवर, सारा इज अ क्लेवर गर्ल, सेंटेंस नंबर वन एग्जाम्पल्स में। सेकेंड है हमारे पास थाल, वी सा अ थाल बिल्डिंग एंड देन फुल स्टॉप। फिर नंबर थ्री पे है ग्रीन, वी सा अ ग्रीन बटरफ्लाई देन फुल स्टॉप। तो ये है हमारी आज का लेक्चर था एडजेक्टिव के बारे में। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव क्या करता है। फिर मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब ये क्या क्या चीज़ें नाउन के बारे में बताता है? कलर, साइज, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हमें एडजेक्टिव बताता है नाउन के बारे में, ठीक है। तो आपने अपनी नोटबुक पे हैव टू प्रिपेयर द पेज लाइक दिस। मार्जिन लाइन आपकी होगी, आपकी हेडिंग्स लिखी जाएंगी, हेडिंग्स की आपने इसी तरह डिजाइनिंग करनी है, और फिर आपने इसी तरह उसको अपनी नीट नोटबुक पे करना है। ओके बॉयज, आई एम श्योर कि अब आपको एडजेक्टिव जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द लेक्चर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे प्रोटेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।